Hello, hi, namaskar. Welcome to my channel, Stay Perfectly Imperfect. So today I'm going to discuss about a very interesting topic, yet very important topic to talk about. So I'm talking about hygiene, and today I'm going to share with you people five, you know, very game-changing hygiene hacks that you should follow and that nobody is going to tell you. So without wasting any time, let's get started. My hack number one is that whenever you are going to wash your hairs, make sure you are washing your hair accessories too. So for washing hair accessories, for an example like combs, ये बहुत important होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम third fourth day आते आते तक हमारे hair जो होते हैं वो काफी ज्यादा dirty हो जाते हैं, क्योंकि pollution के वजह से oil आ जाता है. और also if you have a problem of you know dandruff, तो यार 3-4-5 दिन अगर hairs को हम wash नहीं करते तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वो जो हमारी comb की tips है ना, उसमें वो लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब आप वापस वॉश करते हो हेयर्स, और अगर आपने comb वॉश नहीं किया है तो यू आर गोइंग टू यूज द सेम comb बट एट योर क्लीन हेयर्स. सो उससे कुछ होने नहीं वाला है. ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने इसको वॉश करें. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू यू नो वॉश योर यू नो क्लीन योर दीज क्लिप्स, देखो ये कई बार क्या होता है, बहुत कॉस्टली क्लिप्स होते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली वॉश नहीं कर सकते हैं. सो मेक यूज ऑफ दीज वाइप्स एंड ट्राई टू क्लीन इट प्रॉपरली, ओपन करो, इसके टिप्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है. सो प्लीज यू नो मेक श्योर ये वाली टिप आप यूज करो और देखो आपको कितना चेंज मिलता है आपके यू नो हेयर केयर रूटीन में. ओके, नाउ हैक नंबर टू. हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं फेस को क्लीन करने के लिए, बट जो सबसे बेसिक चीज होती है दैट इज आप किससे क्लीन कर रहे हो. ओके, तो हम क्या करते हैं, हमेशा मैक्सिमम लोग एक ही टॉवल यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग योर फेस, यू नो वाइपिंग आउट योर फेस एंड योर बॉडी. दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक, नेवर एवर डू दिस. ट्राई टू कीप यू लाइक टू सेपरेट यू नो टॉवल्स फॉर योर बॉडी, दिस बिग वन, एंड फॉर योर फेस यूज दिस स्मॉल वन. एंड वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू मेंशन इज दैट ट्राई टू यूज दिस सॉफ्ट मटेरियल, बिकॉज आपका स्किन जो होता है, और बेसिकली जो फेस का स्किन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है एक्चुअल में. तो आप जितना सॉफ्ट टॉवल यूज करेंगे, कम से कम फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो आपको यू नो पिंपल्स का, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा. अगर आप बहुत ज्यादा यू नो रफ टॉवल यूज करते हैं उसके कारण फ्रिक्शन बढ़ेगा. अगर आपको ऑलरेडी कोई एक्ने है, वो एक्ने यू नो पॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, एंड वॉट यू आर गोइंग टू एंड अप विथ यू नो हैविंग मोर एक्नेस. सो ट्राई टू कीप टू सेपरेट टॉवल्स फॉर योर फेस केयर एंड योर बॉडी, फॉर योर फेस क्लीनिंग एंड योर बॉडी क्लीनिंग. नाउ मूव टूवर्ड्स द हैक नंबर थ्री. हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी परफ्यूम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, वो लॉन्ग, हम कितना ही अच्छा परफ्यूम क्यों ना खरीद ले, एंड ऑफ द डे तक लास्ट नहीं करता है. तो इसके लिए एक बहुत अच्छी हैक है. देखिए, वेन एवर यू आर कमिंग फ्रॉम योर बाथ, ओके, एट दैट टाइम यू नो वेन योर बॉडी इज वेट, पोर्स ओपन होते हैं, उस टाइम पे अगर आप परफ्यूम लगाएंगे या बॉडी मिस्ट लगाएंगे ना, वो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल एज कम्पेयर टू वेन यू आर गेटिंग रेडी, आफ्टर गेटिंग रेडी वेन यू आर अप्लाइंग योर यू नो परफ्यूम्स. सो ट्राई इट वंस, इट वर्क्स. एंड फॉर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट यू वन बॉडी मिस्ट दैट वर्क्स वंडर फॉर मी, एंड दिस इज फ्रॉम बॉडी शॉप, इट्स वाइट मस्क स्मोकी रोज. It has a beautiful, beautiful, mild fragrance, and मैं body shop की बहुत बड़ी fan हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं body shop के products, and this is one of my favorite body mist, so you can try it once, okay? Now let's move towards the fourth and very important hack. See, हम क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी को टेक केयर करते हैं, पूरी बॉडी के हाइजीन का ध्यान रखते हैं, बट मैक्सिमम टाइम मेनी पीपल निग्लेक्ट देयर इंटीमेट हाइजीन.
ओके सो सी हमारा फेस को जितना हाइजीन इम्पॉर्टेंट है ना, हमारे फेस के लिए जितनी क्लीनिंग जितनी केयर इम्पॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्लीनिंग एंड केयरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर इंटीमेट पार्ट्स. ओके सो फॉर दिस डेफिनेटली व्हाट एंड वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज दैट नेवर एवर यूज द सेम प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग फॉर योर बॉडी सच एज बॉडी वॉशेज और सोप्स to your intimate parts, okay? That is a very, you know, very bad thing to use because they are sometimes because they are soapy and our that areas are very sensitive. So please make sure try to keep it very, you know, to clean these areas very naturally. So for that, I'm going to suggest you one of the best product that I came across is this one. Okay, this is Namya Natural Skin Care Intimate Hygiene Wash with Haldi and Chandan. Okay, so you can see this is the packaging. I will tell you quickly the pricing of this. Pricing is 350 rupees and the quantity is 100 ml, which is very good for, you know, the quantity. The price is okay. So now the packaging is very cute. If you can see, it's just very, very handy packaging, travel friendly packaging it is. क्योंकि ये मेरे ट्रेवल का मस्ट प्रोडक्ट होता है. ओके मैं इसके बिना कभी भी ट्रेवल नहीं करती हूँ. सो इट हैज दिस काइंड ऑफ यू नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यू कैन सी दैट. एंड अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, सो द इंग्रेडिएंट्स आर वेरी नाइस. ओके एंड दे आर वर्थ टू टॉक अबाउट. सो द इंग्रेडिएंट्स आर डेफिनेटली हल्दी एंड चंदन. यू नो दैट हल्दी हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, सेम एज चंदन हैज यू नो कूलिंग प्रॉपर्टीज, एंड दे हैव टी ट्री एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट. They are known for their antibacterial properties. Also, they are known for, you know, they are having lightening, skin lightening properties. So, see, you are getting two things in, you know, in one product. So, and this is also soap free. If I will show you the texture, see, it's like this. It's a very, not very runny texture, but it's nice. एंड बहुत ज्यादा फोमी नहीं होता है, तो बहुत सोपी नहीं है ये. दैट इज अ वेरी नाइस थिंग अबाउट अ इंटीमेट वॉश. एंड डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई इट वंस. कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका. प्लस दे हैव द इंग्रीडियंट्स दैट हैव यू नो वंडरफुल प्रॉपर्टीज फॉर क्लीनिंग योर इंटीमेट एरियाज एंड कीपिंग दैट एंड बैक्टीरिया फ्री. सो प्लीज ट्राई इट वंस. At my personal suggestion, you will never regret it. Okay? Talking about fifth hack. See, हम जिम जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम शूज पहनते हैं. ओके और हम सॉक्स पहनने के बाद भी जब हम वो सॉक्स और शूज एट द एंड ऑफ द डे घर पे आके उतारते हैं, तो पैरों से कुछ एक अजीब टाइप की स्मेल आती है. ओके दैट इज बिकॉज योर फुट्स आर कंप्लीटली पैक्ड. थोड़ा जो एयर होता है ना, उसका पैसेज नहीं हो पाता इतना प्रॉपर. दैट्स वाई ये यू नो जनरेट होता है ये. सो इसको टोटली अवॉइड करने के लिए आई विल जस्ट सजेस्ट यू वन हैक. दैट इज एट द एंड ऑफ द डे जब आप शूज वगैरह उतार के रखते हो, तो आप एक नॉर्मल टब लो या कोई बकेट भी ले सकते हो. उसमें आपको क्या करना है, जस्ट 15 to 20 ml एप्पल साइडर विनेगर लेना है, उसको उसमें डाल देना है और ल्यूक वॉर्म वाटर लेना है. एग्जैक्ट गर्म वाटर नहीं लेना है और ठंडा पानी नहीं लेना है, ल्यूक वॉर्म वाटर लीजिए. 5 मिनट के लिए उसमें पैर को सोक कर दीजिए. उसके बाद जस्ट आपको मतलब पैरों को बाहर निकालना है और उनको नॉर्मली टाल से पोंछ दीजिए. वी नो दैट जब भी हमारी बॉडी में स्वेट जनरेट होता है, अगर वो स्वेट वहां पर रहता है तो उसके कारण वहां पे बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं. वो बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरियाज आर ओनली द रीजन दैट आर कॉजिंग यू नो ओडर. वेदर इट कैन बी एट योर अंडर आर्म्स, वेदर इट कैन बी एट योर यू नो फीट और एनी अदर बॉडी पार्ट. सो अगर आप कहीं भी ऐसा बॉडी ओडर महसूस कर रहे हो, सो यू कैन डेफिनेटली यूज एप्पल साइडर विनेगर, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ यू नो हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. सो आई होप मेरे ये हैक्स आपको पसंद आए होंगे. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू प्लीज ट्राई इट वंस फ्रॉम योर साइड. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. तो यही मेरा आज का वीडियो खत्म होता है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
और आप ऐसे लोग जानते हैं अपने आसपास जो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स से सफर्ड हैं ओके, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो. एंड मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं लेके आऊंगी ओके, और आती हूँ, तो यार मिस नहीं करना, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए. एंड मेरे इंस्टा हैंडल जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहां पे जाओ, जाके मेरे इंस्टा को फॉलो करो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अपडेट अपने इंस्टा हैंडल पे भी अपलोड करती हूँ, मेरे फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ, तो वहां पे आप देख सकते हैं. एंड अच्छा ठीक है ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. Bye-bye.